हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन और मेरे साथ है मेरे कलीग वंश। जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा, हम मेडिकल बाज़ार के प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं जो हमारी डेली रूटीन में काम आते हैं, उनके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है उस बेसिकली हम बात करने वाले हैं अर्गोनॉमी से रिलेटेड वीडियो के बारे में। तो अर्गोनॉमी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स मेडिकल बाज़ार पर मिलते हैं उनकी आज हम बात करेंगे। पर अर्गोनॉमी से रिलेटेड हम प्रोडक्ट्स की बात करें उससे पहले वंश, आप हमें समझाइए अर्गोनॉमी क्या होती है, हमारे व्यूअर्स को समझाइए अर्गोनॉमी बेसिकली है क्या। शब्बीर, अर्गोनॉमी कोई भी ऐसा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसमें आप किसी प्रोडक्ट की असिस्टेंस भी ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को बेटर बना दे। जैसे हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं, जब आप कोई भी एक ऑफिस वर्कर को आप मिलेंगे जिनका काफ़ी लंबा काम होता है कि वो 7 से 8 घंटे बैठ के काम करते रहते हैं, तो उनके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है बैक पेन की। तो वहाँ अर्गोनॉमी का रोल क्या आता है, आप उनकी चेयर का जो डिज़ाइन है उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि उनका बैक प्रॉब्लम ना हो। बैक प्रॉब्लम होती क्यों है ऐसे टाइम पे, कि जो पोस्चरल डीअरेंजमेंट हो रहा था उस पोस्चर को आप करेक्ट करेंगे। हर जगह मॉडिफाइड चेयर्स अवेलेबल नहीं होती है, तो मेडिकल बाज़ार ने ये एक प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है सर्वाइकल पिलो। इसका रोल क्या आता है, जब हम कई बार आप देखेंगे कि आप सो के उठते हैं तो आपको नेक में स्टिफनेस फील होती है, होता है ऐसा क्यों है कि जब आप रात को सोते हैं, इंडिया में आप देखेंगे बहुत अच्छा पिलो क्वालिटी या इस तरीके से कुछ देखने बहुत को मोटा मिलता क्वालिटी का पिलो लोग यूज़ करते हाँ, हैं। कुछ लोग दो दो तीन तीन पिलोज यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपका जो नेक का नॉर्मल कर्वेचर था स्पाइन का उसको डिस्टर्ब करती है। जो सर्वाइकल स्पाइन का कर्वेचर है उसमें चेंजेस आते हैं और आप लंबे समय तक उस स्पाइन के अंदर सो गए, आप डी अरेंजमेंट जो स्पाइन की हुई और उसमें सो गए, तो जाहिर सी बात है मसल्स में स्पाज्म आएगा, स्टिफनेस आएगी, बिल्कुल, और पेन होगा उसकी वजह से। तो इस तरीके के पिलो डिज़ाइन किए गए हैं जो कि आपकी सर्वाइकल स्पाइन को देखते हुए कि उनका जो नॉर्मल कर्वेचर होता है उसको मेंटेन रखने के लिए ये पिलोज़ हैं। तो हमें ये पिलोज़ अब से यूज़ करने हैं, ना कि ऑर्डनरी पिलो जो अभी तक हम यूज़ करते हुए आए हैं। तो आज की वीडियो हमारी बेसिकली उन व्यूअर्स के लिए है जिनको नेक पेन रहता है, काफ़ी समय से वो इलाज करवा रहे हैं मगर उनको ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं मिल रहा है या वापस पेन बढ़ जाता है। तो वो एक बार अपने पोस्चरल मॉडिफिकेशन पर भी ध्यान दें, अपने जो इंडियन पिलोज़ हैं अगर आप अभी भी उन पर सो रहे हैं तो आप प्लीज़ इस पर सर्वाइकल पिलो को चेंज करिए, इंडियन पिलो से सर्वाइकल पिलो पर आप आ जाइए। तो वंश और बताइए इस पिलो के बारे में। देखिए शब्बीर, जब आप नेक स्टिफनेस या सर्वाइकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, आप जब ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो आप एक बार को दर्द को ख़त्म करके आ सकते हैं, बट फिर आप कहने लगते हैं कि वही चीज़ बार बार होती है। तो उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो चीज़ है वो है सर्वाइकल पिलो। आप जाएंगे ट्रीटमेंट लेके अपना नेक पेन तो ख़त्म करवा लेंगे, लेकिन वो दर्द हो क्यों रहा था उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी स्पाइन का कर्वेचर है वो एक बार ठीक रखना पड़ेगा। उस चीज़ में हेल्प करता है आपको ये मेडिकल बाज़ार के थ्रू देने वाला सर्वाइकल पिलो। ये प्रॉपर रिसर्च बेस्ड है जिसमें आपके कर्वेचर को ध्यान रखते हुए कैसा कर्वेचर होना चाहिए। आप जैसे देखेंगे लोर्डोटिक कर्व यहाँ पे एक मेंटेन्ड है जिसमें आप जब सोते हैं तो आपकी नेक प्रॉपर रहती है कर्व में, अलाइनमेंट में। इसी के साथ में जैसे आप मेरे को दिख रहा है इसका कुशन मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, तो वो चीज़ आपको अच्छी हेल्प करती है। ऐसा आप हाइट वाइज देखोगे नेक का जो है तो ये हाइट वाइज भी काफ़ी इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है जैसे लोगों को आदत है दो दो तीन तीन पिलो, वैसा नहीं है, एक नॉर्मल हर तरीके से ये प्रॉपर मेंटेन डिज़ाइन है। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि इस तरीके के पिलोज़ आप बिल्कुल यूज़ करें, क्योंकि केवल दर्द ठीक करना बात नहीं है, वो दर्द बार बार क्यों आ रहा है उस चीज़ को आप ध्यान रखो और उस चीज़ को करेक्ट करो। और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है बैक रेस्ट। बिल्कुल, जो जैसा हम वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात किया कि ऑफिस में जो लोग बैठते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक और काम करते हैं तो हर जगह आपको मॉडिफाइड चेयर्स अवेलेबल नहीं होती, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल बाज़ार ने एक प्रोडक्ट निकाला जिसको बोलते हैं बैक सपोर्ट या बैक रेस्ट। इस बैक सपोर्ट का आप क्या करते हैं, आपके जो ऑफिस चेयर्स वगैरह है इन केस वो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है तो आप उनको इस तरीके से चेयर पे सेट करेंगे। इसके बाद जब आप बैठेंगे तो दोस्तों जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है बैक सपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बैक सपोर्ट को आप अपने चेयर पे इस तरीके से बैक पे अलाइन करिए। होता क्या है, जो अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ये आपके स्पाइन का जो लंबर कर्व है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये लंबर में प्रॉपर आपको पीछे सपोर्ट प्रोवाइड करता है और किसी तरीके का आपको पोस्चरल इम्बेलेंस नहीं होने देता है। तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगा कि आप इस तरीके का बैक सपोर्ट यूज़ करें, केवल ऑफिस में ही नहीं, आप कार ड्राइविंग भी जब करते हैं काफ़ी लोगों को उस टाइम भी बैक पेन होता है, तो आप कार वगैरह में भी ये बैक सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं।
जैसा आपको बताया शब्बीर ने भी पहले कि कर्व जो है आपके स्पाइन का बैक पेन का मेन जो कॉज होता है वो है पोस्चरल इम्बेलेंस। तो आपको केवल इतना सा करना है, केवल आपका पोस्चरल करेक्ट करना है और इसके साथ दिन में आप लॉन्गर पीरियड्स ऑफ हार्स में ना बैठें, कोशिश करें आप हर आधे एक घंटे में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें और पीछे इस तरीके का एक बैक सपोर्ट यूज़ करें। अगर आप इस बैक सपोर्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप जाइए मेडिकल बाज़ार की वेबसाइट पे, लिंक जिसका आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।